हमारे डायोड लगे होते हैं उन्हीं से जीरो क्रॉसिंग को जो सर्किट है वो काउंट करता है, काउंट के आगे एक डायोड लगा है, इसी से ये काम करता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये जो लगा है आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ से एक एनपीसी कैपेसिटर लगा है जो कि सप्लाई को बूस्ट करता है और नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड में करने का काम करता है। और यहाँ पे एक लगा है ट्रांजिस्टर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू डेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम दोस्तों आप लोगों को बताएंगे जीरो क्रॉसिंग कैसे काम करता है। अपने एसी पीसीबी में जीरो क्रॉसिंग का बहुत बड़ा महत्व है। जीरो क्रॉसिंग किसे कहते हैं? जीरो क्रॉसिंग हम लोग उसे कहते हैं जो अपने एसी में हर्ज होते हैं, यानी कि 50 हर्ज और 50 हर्ज तक होते हैं, उसी को जीरो क्रॉसिंग काउंट करता है कि एसी में पूरे हर्ज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसी को काउंट करने के लिए एसी पीसीबी में एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है जीरो क्रॉसिंग। जीरो क्रॉसिंग आपको हम बताएं तो वो काम कैसे करता है, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि पीसीबी में हमारे डायोड लगे होते हैं, उन्हीं से जीरो क्रॉसिंग को जो सर्किट है वो काउंट करता है। काउंट कैसे करता है? जो हमारा डायोड होता है, जो डायोड होता है उस डायोड का काम क्या होता है? एसी से डीसी निकालना। लेकिन वो प्योर डीसी नहीं निकालता है, वो निप्पल के रूप में निकालता है। जब डायोड लगा होता है तो उसमें निप्पल्स निकलते हैं। आपको मैं समझाना चाहूँगा, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पर मैं बताऊँ दोस्तों। ये दोस्तों डायोड है, ये डायोड है, इसका ये एनोड पॉइंट है और ये कैथोड पॉइंट है। यहाँ पे जब हम एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, जब इलेक्ट्रॉन हाई एटीट्यूड से लो एटीट्यूड की तरफ आते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे जब ना हाई होता है ना लो होता है, यानी ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है जीरो क्रॉसिंग, यानी कि यहाँ पे कोई ना लो होता है ना हाई होता है, तो यहाँ पे जीरो होता है यानी कि। तो उसी को काउंट करने के लिए एसी पीसीबी में सर्किट होता है जीरो क्रॉसिंग। जब यहाँ से हम एसी सप्लाई को देते हैं तो यहाँ से प्योर एसी नहीं निकलता है, वहाँ यहाँ से निप्पल के रूप में निकलता है, निप्पल के रूप में इस टाइप में। तो उसी को काउंट करने के लिए एसी पीसीबी में इसका सर्किट है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। ब्रिज रेक्टिफायर है, इसके आगे एक डायोड लगा है, इसी से ये काम करता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये जो लगा है आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ से एक रजिस्टर लगी है, यहाँ पे बनता है वोल्टेज डिवाइडर। आपने दोस्तों अगर नाम सुना हो वोल्टेज डिवाइडर का, उसका पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, मैं किसी दिन बनाऊँगा उसका वीडियो, वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है। एक R1 और एक R2 होता है। इसके लिए आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें दो रजिस्टर लगी हुई हैं, एक R1 पे वोल्ट आ रहा है, एक ये रजिस्टर लगी है जिसका नाम है R36, ये रजिस्टर लगी है, और एक लगी है R39। दो रजिस्टर लग के वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है जिस पे ये सप्लाई यहाँ से आ रही है। इसका एक पॉइंट पे आएगी सप्लाई और दूसरा पॉइंट ग्राउंड होगा जो कि ग्राउंड से बीप करेगा। दो रजिस्टर लगे हैं जिसका एक सिरा ग्राउंड से बीप करेगा। इसको बीप रेंज में पहले मीटर को लेते हैं, उसके बाद देखते हैं एक सिरा इसका ग्राउंड से बीप करेगा। ये देखिए ग्राउंड से बीप कर रहा है, ये नेगेटिव है, ये ग्राउंड से बीप करेगा। ये ग्राउंड से बीप कर रहा है। इसी के बगल में एक एनपीसी कैपेसिटर लगा है जो कि सप्लाई को बूस्ट करता है और नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड में करने का काम करता है। और यहाँ पे एक लगा है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का जिस पे ये जो आ रहा है चार्ज आ रहा है, यहाँ पे जो इसका बेस है ये वोल्टेज डिवाइडर से कनेक्ट होगा। जितनी बार रिप्पल आएगी उतनी बार बेस इनेबल होगा और जो इमीटर है इसका ग्राउंड होगा, इमीटर ग्राउंड है, और कलेक्टर से सप्लाई आउट होगी, सप्लाई आउट होगी और सीधे एक रजिस्टर पे आएगी। वहाँ पे क्या होगा, ये सप्लाई हमारा यहाँ पे जो सप्लाई आएगी वो सीधी होते हुए कलेक्टर से होते हुए सीधा MCU,
यहाँ पे दो रजिस्टर होगी, यहाँ पे एक जो रजिस्टर होगी वो 5 वोल्ट से बीप करेगी और दूसरी MCU से जाएगी और उस पर 5 वोल्ट पे आएगा, 5 वोल्ट आएंगे और जितनी बार ये बेस इसका इनेबल होगा उतनी ही बार MCU को सिग्नल मिलेगा कि AC सप्लाई में जीरो क्रॉसिंग क्लियर है। AC जीरो क्रॉसिंग का भी एरर कोड आता है, एक जो रजिस्टर है वो 5 वोल्ट से बीप करेगी और एक MCU की तरफ जाएगी और ग्राउंड की सप्लाई जितने बार ड्रॉपेज होगी ड्रॉप होगी उतने ही बार इस MCU को पता चलेगा कि जीरो क्रॉसिंग हमारी ओके है। तो ये था हमारा जीरो क्रॉसिंग का सर्किट।